हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो वास्तव में मिस्टेक क्वेश्चन है, जो कि महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में 2021 में आया है। अगर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और आप इसके लिए चैलेंज करते हैं तो आपको इसमें मार्क्स मिल सकते हैं। तो आइए इस सवाल को देखते हैं और समझते हैं। तो यह जो सवाल है, मिस्टेक जो क्वेश्चन है, जो बेस्ड है, कहने का मतलब है, ट्रांसपोर्ट पर है, कैरियर प्रोटीन पैसिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं क्वेश्चन को। तो सवाल में पूछ रहा है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको चूज करना है, और इस क्वेश्चन में आप पाइएगा कि दो करेक्ट स्टेटमेंट पाया जाता है। तो देखते हैं, पहला, इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता क्या है, लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन चीजें मूव करती है, लो टू हाई। तो ये क्या हुआ, ये तो गलत है। चलिए अब अगला सवाल की बात करते हैं। कैरियर प्रोटीन इज इन्वॉल्व्ड इन बोथ एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बिल्कुल सही है कि आप देख सकते हैं कि कैरियर प्रोटीन जो इन्वॉल्व होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी इन्वॉल्व होता है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी इन्वॉल्व होता है। तो ये भी क्या स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं कि ये कैरियर प्रोटीन है और इधर भी कैरियर प्रोटीन है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तो कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व होता ही है। साथ ही साथ डिफ्यूजन की बात करें, मॉलिक्यूल मूव कर रहा है हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, सिंपल डिफ्यूजन, नथिंग रिक्वायर्ड। बट अगर आपको क्या है कि कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, तो उसी को तो हम लोग बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और आप देख सकते हैं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि पैसिव ट्रांसपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल क्या है, सही आंसर है। अब ये देखते हैं, एनर्जी इज कंज्यूम्ड टू मूव मॉलिक्यूल अगेंस्ट ए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट ओनली। बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, वहीं पर क्या है, आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट से मूव कर रहा है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन, मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव कर रहा है। तो ये भी क्या, बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं, इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट ओनली वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्टेड टू कंज्यूम द एनर्जी, जो कि बिल्कुल गलत है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में और दूसरे सारे मॉलिक्यूल्स भी अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं और एनर्जी का कंजम्पशन होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि बी और सी दोनों जो है करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन आपको मार्क करने के लिए कहा जा रहा है ए। तो आपने अगर ए मार्क किया है और ए मार्क किया है, अगर इसके लिए आप चैलेंज करते हैं तो माइट भी आपको आपको मार्क्स मिल सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इसके बारे में आपको भी जानकारी है या इस बात से आप सहमत हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये हमारा मनोबल भी बढ़ाता है और साथ ही साथ ये एक अच्छा इंटरेक्शन भी होता है कि नहीं, ये सवाल में कुछ मिस्टेक है। एनीवे, अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो जरूर लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।